एक लीडरशिप वो बहुत बड़ी ताकत है। सपने में कभी नहीं सोचा था, सपने में बस एक ही चीज दिखता था कि युद्ध लड़ो। परमवीर चक्र विजेता, वो भी 19 साल में। और बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, जब आपको परमवीर चक्र घोषित किया गया तब लोगों को भी नहीं पता था आप जीवित हो या आप मृत हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय जब ये परमवीर चक्र घोषित हुआ था तो मैं बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में था, और वहीं पर मुझे भी जो है न्यूज के माध्यम से पता चला कि मरणोपरांत योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र दिया जा रहा है। और लेकिन सुबह जब जनरल वीपी मलिक हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने आकर के जब बधाई दी, और तब मुझे पता चला कि ये परमवीर चक्र तो मुझे ही दिया जा रहा है। तो एक सैनिक के लिए इससे बड़ा और गौरव और इससे बड़ा सम्मान और उसका जो एक खुशी है वो कुछ हो ही नहीं सकती है। जिनको किताबों में पढ़ करके हम बड़े हो रहे थे और हम खुद सोचते थे कि यार वो कैसा व्यक्ति होता होगा जिसके पास परमवीर चक्र मिला है। आप हमेशा बोलते हैं कि अपने अंदर ये क्यूरियोसिटी रहता था कि जो परमवीर चक्र विजेता है उनको एक बार देख लो, उनका एक झलक देख लो, क्योंकि वो तो सच में हीरो है। कभी आप सपने में भी सोचे थे कि आपको भी कभी परमवीर चक्र विजेता? नहीं, सपने में कभी नहीं सोचा था। सपने में बस एक ही चीज दिखता था कि युद्ध लड़ूंगा। हाँ, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो ट्रेनिंग के दौरान जो हमारे एक जीवित परमवीर चक्र थे मेजर होशियार सिंह, ब्रिगेडियर से रिटायर्ड हुए थे, तो ट्रेनिंग के दौरान वो आए थे वहाँ पे रेजिमेंटल सेंटर में, तो हमने दूर से उनको देखा था, लेकिन कभी ये भाव नहीं आया कि जो है कि आगे चल करके हमें भी जो है वो चीज उस चीज़ से नवाजा जा सकता है। लेकिन बस इतना था कि जो कार्य जो दायित्व मिलेगा उसको निष्ठा से ईमानदारी से और वफादारी के साथ में उसका निर्वाह जरूर करना है। तब परिवार का रिएक्शन कैसा था? परिवार तो जब वो घायल होकर के हॉस्पिटल में आ गया था तो जाहिर है कि दुख तो होगा, लेकिन उनको जो है सांत्वना देना मेरा कर्तव्य था, मैंने दिया। मेरी माँ आकर के रोने लगी थी, मैं बोला मम्मी अभी रोने से जो ना ठीक नहीं होगा, अभी तो धीरे धीरे अपना आप ही ठीक होगा, अगर रोने से ठीक हो सकता हूँ तो मेरी चारपाई बाहर लेकर के चलो, मैं भी रो लेता हूँ। फिर माँ ने बोला ऐसा क्यों बोल रहा, मैं कह नहीं अभी रोने से कुछ नहीं होगा। सीने में गोली लगी थी, फिर पाँव में गोली लगी थी, 17 गोली। सबसे ये आश्चर्य करता है कि 17 गोली के बाद टाइगर हिल टॉप से नीचे आना, ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। नहीं, नामुमकिन को मुमकिन जो है ना वो हमारा परमात्मा करा देता है। और ये सत्य है कि जब हम इस धरती पर अवतरित होते हैं उससे पहले हमारी जो है ना पूरी एक चैप्टर लिख जाता है लाइफ का। पूरी एक गाथा होती है, जैसे हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, एक एक पेज को पलटते जाते हैं, तो जिंदगी का हर रोज उस ग्रंथ का एक पेज है। तो पहले से निर्धारित होती हर चीज़, और उसी के तहत हमारी जो कार्यशैली है, दिनचर्या है, हमारे जो सोच है उसी प्रकार की बनती हुई चली जाती है। और तभी तो ये शक्ति आती हैं, और तभी हम असंभव से काम को भी संभव कर पाते हैं। इन्वायरमेंट भी बहुत बड़ी ताकत देता है, ट्रेनिंग बहुत बड़ी ताकत देता है, एक लीडरशिप वो बहुत बड़ी ताकत देता है।